पीएससी पार्ट फर्स्ट के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं सेल्फ राजकुमार शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी। पीएससी पार्ट सेकंड के अंदर हम जो टॉपिक अभी चल रहे हैं या चला रहे हैं वो है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी में हमने जो पहला जो टॉपिक रहा था उसके बारे में बात की, फ्लोर स्ट्रक्चर। और मैंने कहा था कि ये बेसिक टॉपिक है, हो सकता है कि किसी को लगे तो हमें पहले से पता ही था, लेकिन अगर वो आपको आता है तो उसके बाद नेक्स्ट हम समझ पाएंगे। तो आज का टॉपिक उसी से रिलेटेड, लेकिन एडवांस और एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये आए, तो हम अभी उसी की शुरुआत करते हैं और देखते हैं। टॉपिक का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। स्ट्रक्चर ऑफ एंथर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ये जो टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, बीएससी, नीट और क्लास 12 तीनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आप एक बात ध्यान रखें कि ये बीएससी पार्ट सेकंड के लिए भी है, 12th क्लास के भी लिए है, 12th बायोलॉजी और नीट के लिए भी है। जो भी जहाँ भी इसका यूज़ देखना चाहें वो आप देख सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में ही पढ़ाने वाला हूँ, तो आप आराम से इसकी स्टडी करें। कुछ कोशिश करेंगे इसको आज ही कवर करने का, अगर लंबा चलेगा तो इसको कल वाली वीडियो में भी देखेंगे। हमने जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन किया था उसके अंदर हमने इस प्रकार के एक डायग्राम की बात की थी। इसमें ये स्ट्रक्चर जो है वो है एंथर। एंथर ये है फिलामेंट और ये है कनेक्टिव। ये जो कनेक्टिव है जो आपको बाहर दिख रही है यहाँ पे, ये पूरे के अंदर है, पूरे के अंदर। इसका जब हम टीएस देखेंगे, टीएस ऑफ एंथर, तो हमें संभवतः ऐसा दिख सकता है। ये इनको हम लोब कहेंगे, कोस्ट लोब। अगर किसी भी पराकोष में आपको दो लोब दिखाई देते हैं तो उसे कहेंगे द्विकोष्ठीय, बाइलोब्ड या बाइथिकस, तो यह है द्विकोष्ठीय, द्विकोष्ठीय स्ट्रक्चर है ये, बाइथिकस बाइलोब्ड। ये जब टीएस काटते हैं तो टीएस में ये जो कनेक्टिव है उसका भी दिखता है, तो ये कनेक्टिव आपको यहाँ दिखेगी। तो कनेक्टिव का जो बेसिक कार्य हो गया वो इन दोनों लोब्स को, कोस्ट को अटैच करना हो गया। मोस्टली अधिकांश पादपों में पाई जाती हैं, मोस्टली प्लांट्स में। इसके अंदर ऐसी स्थिति भी हो सकती है कि एक ही कोस्ट हो। अगर एक ही कोस्ट हो तो उसे एक कोष्ठीय कहेंगे, एक कोष्ठीय। इट इज कॉल्ड मोनोथिकस और यूनिलॉब्ड, मोनो थिकस। मालवेसी के अंदर बेसिकली देखा जाता है, मालवेसी फैमिली के अंदर एक प्लांट है कॉक्सिनिया इंडिका, उसमें इसको नोट किया गया है एक कोष्ठीय। लेकिन हमारा जो पूरा सिलेबस है, जो पूरी डिस्कवरी है या जो पूरी थ्योरी है वो बायथिकस पर ही है, तो हम बायथिकस पर ही ध्यान लगाएंगे और इसके बारे में बात नहीं करेंगे। इन इनिशियली स्टेज आप इस डायग्राम को देखें तो आपको लगेगा कि ये जो सराउंडिंग्स है ये तो एपिडर्मिस से बनी हुई है। तो एपिडर्मिस तो प्राइमरी पार्ट है जो कि पहले से ही बना होता है। बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती कर देते हैं कि डेवलपमेंट के दौरान एपिडर्मिस बनती है। एपिडर्मिस डेवलपमेंट के दौरान नहीं बनती भाई, ये पहले से ही बनी होती है। तो एक्चुअल में वॉल लेयर में एपिडर्मिस का नाम अवश्य आता है, लेकिन एक्चुअल में ये वॉल लेयर पहले से ही डेवलप्ड है, बाद में नहीं बनती है। ये इसका एक पर्टिकुलर पार्ट है, इनको हम चैम्बर कहते हैं, चैम्बर। इट मीन्स कोष्टक। किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट को अगर हम देखें, पर्टिकुलर कोने को देखें, तो इसके अंदर जो सेल होगी एपिडर्मिस के अलावा,
वो एक ही प्रकार के उत्तकों द्वारा बनी होती है। इन एक ही प्रकार की जो सेल हैं उसे हम समांगी उत्तक कहते हैं, क्योंकि ये कोशिकाओं का समूह है तो ये होमोजीनस टिश्यू कहलाता है। होमोजीनस टिश्यू डेवलपमेंट के दौरान कोई एक सेल अन्य कोशिकाओं से आकार में बड़ी हो जाएगी और इसे हम आर्चिस्पोरियल सेल कहेंगे। आप पुंधाने प्रारंभिक कोशिका कह सकते हैं। इस कोशिका के अंदर एक पहला डिवीजन परिणतिक प्रकार का होता है, पीडी परिणतिक प्रकार का। उससे दो सेल बन जाएगी, बाहरी सेल आउटर सेल, इसे कहेंगे प्राइमरी पैराइटल सेल पीपीसी या प्राइमरी वाल सेल, वाल सेल और लेयर। अगर दो से ज़्यादा सेल है तो लेयर, नहीं तो सेल। यह है सेंटर सेल, सेंटर सेल। इस वीडियो में हम प्राइमरी पैराइटल सेल के बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो हमारा जो फर्दर डायग्राम है वो प्राइमरी पैराइटल सेल से रिलेटेड रहेगा। प्राइमरी सेल पैराइटल सेल अंडरगोज फ्यू पेरिक्लिनर डिवीजन एंड मैनी एंटीक्लिनर डिवीजन। बिकॉज ऑफ इट यहाँ पर आपको बहुत सारी लेयर्स देखने को मिलेगी, बहुत सारी लेयर्स बेसिकली चार ही हैं। सबसे बाहर आप सभी जानते हैं एपिडर्मिस है, जो कि पहले से ही बनी हुई है, ये मैंने आपको बता दी थी। उसके बाद में ये नंबर एक है, उसके बाद में नंबर दो सेल की स्थिति अगर हम डायग्रामेटिक स्थिति देखें तो कुछ इस प्रकार की है। इसकी सेल काफ़ी बड़ी बड़ी होती हैं। ये सेकंड है एंडोडर्मिस। तीसरी जो है वो है मिडल लेयर, मध्य परत एक स्तरीय या दो स्तरीय हो सकती है, तो हम इसको ऐसे शो कर देते हैं। और लास्ट है हमारी सबसे इम्पोर्टेंट परत टेपिटम। पहले तो हम सिर्फ इनका नाम समझ रहे हैं। तो ये है एपिडर्मिस, पहले से ही प्रेजेंट। उसके बाद में है एंडोथीशियम, उसके बाद में है मिडल लेयर और उसके बाद में है टेपिटम। तो ये चार प्रकार की लेयर यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। मोस्टली 99% केसेस में एंडोथीशियम एक स्तरीय होती है, कुछ जगह अपवाद हैं, ये द्विकोष्ठीय हो सकती हैं, द्विस्तरीय हो सकती है, कोष्ठीय द्विस्तरीय होती हैं। मिडिल लेयर दो से तीन स्तरीय हमेशा ही होती है। टेपिटम ऑलमोस्ट एक स्तरीय होती है, कभी कभी ये दो स्तरीय हो सकती है। तो इस प्रकार से कुल तीन नई परतें बनती है, होती चार है। सबसे बाहर एपिडर्मिस है, उसके बाद में एंडोथीशियम है, उसके बाद में मिडिल लेयर है, उसके बाद में टेपिटम है। अब हम प्रत्येक लेयर की बात करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि एपिडर्मिस की तो बात करनी ही नहीं है, तो सुरक्षात्मक परत है, सुरक्षा कार्य करती है। हम बात करेंगे एंडोथीशियम से स्टार्ट करेंगे। तो हम एक बार दोबारा से इसको ड्रॉ करते हैं क्योंकि डायग्राम बड़ा इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी भी एंथर सेक को देखोगे तो ये ऐसा है। तो हम पर्टिकुलर स्पोर्स की बात कर रहे हैं, ये यहाँ की हम बात कर रहे हैं। तो देखो आप, ये एक्चुअल में ऐसा है। तो ये जो पोर्शन आप देख पा रहे हो इसको हमें दिमाग में रखना है। क्या है बताऊंगा बाद में। सबसे बाहर हो गई एपिडर्मिस, एक स्तरीय प्रोटेक्टिव डेड
शुरू शुरू में ग्रीन हो सकती है, लिविंग सेल से बनी हो सकती है, लेकिन बाद में ये मृत हो जाती है एट द टाइम ऑफ मैच्योरेशन, परिपक्वन के समय, और प्रोटेक्शन का कार्य करती हैं, सभी जगह पाई जाती है, समान होती है, एक स्तरीय होती है। सेकंड जो एंडोथीशियम है उसकी सेल काफ़ी डाइवर्सिफाई या काफ़ी विविधता दर्शाती हैं और बड़ी होती। एंडोथीशियम में जो सेल है उस सेल के अंदर काफ़ी डाइवर्सिटी है। स्पेसिफिक यहाँ पर आपको कुछ स्पेसिफिक बैंड देखने को मिलेंगे, इन बैंड्स का नाम है यू बैंड। ये इस प्रकार के होते हैं, यू बैंड कुछ इस टाइप से होते हैं, आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेंगे। मैंने डायग्राम इसीलिए बनाया है कि आपको समझ में आए कि ये क्या है। तो यहाँ की जो सेल है यहाँ पर यू बैंड आपको हर जगह मिलेंगे इस जगह, लेकिन यहाँ नहीं मिलेंगे। इस पर्टिकुलर जोन की जो एंडोथीशियम की जो सेल है वहाँ पर यू बैंड एब्सेंट होते हैं, नहीं पाए जाते। इसका एक लॉजिक है, आप समझें इसका लॉजिक, कि जब कभी ये मैच्योर हो जाएंगे तो यहाँ पर सनलाइट गिरेगी, गर्म हवाएं आएगी, तो ये भाग सिकुड़ेगा इधर से इधर और इधर से इधर, तो दोनों ओर तो यू बैंड है, तो दोनों ओर यू बैंड होने की वजह से जो तनाव होगा वो बैंड सहन कर लेंगे, हाइग्रोस्कोपिक नेचर के हैं, जब निकलेंगे तो सिकुड़ेंगे, तो ये सेल टूटेगी नहीं। लेकिन इस पोर्शन में यू बैंड नहीं है, तो ये पोर्शन और ये पोर्शन आपस में जब खींचेंगे तो ये पोर्शन यहाँ से फट जाएगा। तो ये एक्चुअल में स्ट्रोमियम है, यहाँ से जब ये फटेगा तो गर्म हवाएं यहाँ अंदर एंटर हो जाएगी और यहाँ पर आर्च वो है चैम्बर, इट मीन्स लघु बीजाणु धानियाँ, गर्म हवाएं जब यहाँ आएगी तो सारे के सारे जो लघु बीजाणु यहाँ पर मुक्त हो जाएंगे। तो आगे बात करेंगे हालांकि हम इसके बारे में, लेकिन फिलहाल आप समझें कि डेहिसेंस ऑफ एंथर विच कंडक्टेड बाय एंडोथीशियम, एंडोथीशियम द्वारा पराकोष का स्फुटन होता है, उस कैसे होता है वो आपके सामने है। तो ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर की एंडोथीशियम डबल लेयर हो सकती है कॉक्सिनिया इंडिका में। कॉक्सिनिया इंडिका एक नाम आप याद रखें जो कि मालवेसी फैमिली का एक पौधा है, उसके अंदर आपको ये स्थिति देखने को मिल सकती है। उसके बाद में है तीसरी लेयर, वैसे सेकंड एपिडर्मिस को अवॉइड कर दे तो, लेकिन एपिडर्मिस को काउंट कर दे, तीसरी लेयर एंडोथीशियम सिंपल लेयर से बनी होती है, एंडोथीशियम के नीचे मिडिल लेयर, तीसरी जो परत का नाम है उसको हम मिडिल लेयर कहते हैं, मध्य परत कहते हैं। ये यहाँ पाई जाती है, इस प्रकार से दो से तीन स्तरीय होती हैं, आप देख पा रहे हैं दो से तीन स्तरीय है। और बेसिकली इसका जो कार्य है फूड ट्रांसपोर्टेशन में, ये भोजन के संचरण में सहायता करती है, भोजन को ट्रांसपोर्ट करती है। तो फूड ट्रांसपोर्टेशन में इसकी मुख्य भूमिका है। दो से तीन स्तरीय है, सिंपल सेल्स के द्वारा बनी होती है, जीवित कोशिकाएं हैं, कोई खास मॉडिफिकेशन शो नहीं करती है। जो सबसे इम्पोर्टेंट लेयर है, जो सबसे इम्पोर्टेंट भाग है, वो है इसकी फोर्थ लेयर। फोर्थ लेयर की जो कोशिकाएं हैं वो कहलाती हैं टैपिटल सेल्स और टैपिटम की कोशिकाएं। ये टैपिटम की कोशिकाएं हैं, इट इज कॉल्ड टैपिटम लेयर, टैपिटम लेयर द मोस्ट न्यूट्रिटिव और पोषणीय परत, पोषणीय परत। शुरू शुरू में एक केंद्र की होती हैं इस प्रकार से, तो मैं इसके बारे में काफ़ी डिटेल बताऊं, लेकिन उससे पहले आप समझ लो शुरू शुरू में एक केंद्र की होती है, बाद में ये बहुकेंद्रकीय हो जाती हैं। तो ये यूनिन्यूक्लिएट टू पॉलीन्यूक्लिएट हो सकती हैं। ये लेयर क्या क्या करती हैं एक एक पॉइंट को समझते हैं। कुछ चीज़ें आज समझेंगे, कुछ अगले वीडियो में, क्योंकि
काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो टेपिटम के बारे में हम बात कर रहे हैं, डायग्राम आपको मैंने बताया दिया। टेपिटम, टेपिटम की जो सेल है वो शुरू शुरू में एक केंद्रकीय है, एक केंद्रकीय, इसमें एंडोमाइटोटिक डिवीजन होते हैं, एंडोमाइटोटिक डिवीजन। एंडोमाइटोटिक डिवीजन से ये जो सेल है उसके केंद्रक में गुणसूत्रों की संख्या बढ़ जाती है, इट मीन्स पॉलीप्लोइडी यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, पॉलीप्लोइडी बहुगुणिता आपको देखने को मिलती है। तो ये एक गुणिता से, सॉरी द्विगुणिता से बहुगुणित सेल हो सकती हैं, और फर्दर इनके अंदर न्यूक्लियस की संख्या ही बढ़ जाती है। तो यहाँ पर आपको ये यूनि न्यूक्लियेट टू मल्टी न्यूक्लियेट सेल भी नज़र आती हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर है क्योंकि ये पोषण प्रदान करने का कार्य करती हैं, पोषण देने का कार्य करती हैं, पोषण सेल कहा गया है। ये स्पेसिफिकली दो प्रकार की होती हैं, नंबर एक ये अमीबिये है, अमीबिये, और नंबर दो ये स्रावी हैं, सिक्रेटरी। अमीबॉइड और सिक्रेटरी, अमीबिये और स्रावी, ये बूंद बूंद करके पोषण को उपलब्ध कराती है डेवलपिंग माइक्रोस्पोर को, और एट द एंड लास्ट में फिनिश हो जाती हैं। ऐसी टेपिटम जो एक निश्चित समय बाद समाप्त हो जाती है डेवलपमेंट के दौरान, तो उसे हम अमीबॉइड कैटेगरी में डालेंगे। सेकंड, ये पोषण देती है, पोषण देती है और अंत तक बनी रहती है, अंत तक समाप्त नहीं होती, समाप्त नहीं, इसे हम स्रावी कहते हैं। तो ये दो स्पेसिफिक कैटेगरी है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। आज के वीडियो में हमने चारों लेयर के बारे में पढ़ा है, लेकिन अभी टेपिटम के बारे में बहुत कुछ पढ़ना बाकी है, नेक्स्ट पार्ट भी बाकी है, तो इसका हम सेकंड वीडियो बनाएंगे। आज के वीडियो में हम इतना ही देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो आप कल क्लास में देखेंगे। तो आप इसको अभी तक जो पढ़ाया है उसको देखें, और ये 5 नंबर, 3 नंबर, 1.5 नंबर सभी कैटेगरीज के लिए इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इसको हम आराम से फुल डिटेल के साथ पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो।